जी टिकना पे चलो चलो उठे बैठा मम्मी तुसी आराम करो मम्मी जी तद बोझ ना पाओ अपने दिमाग पे हजे तुसी आराम करो चंगा चलो भाई मम्मी का ध्यान रखी आराम करो शांत मैं आनी हाँ ध्यान रखियो ये बुढ़ी तो आदि ठीक भी होगी अजूनी मैडम जी नू दसना पऊ आ देखो मां जमा एदा दी लुक होनी चाहिए है थोड़ी आ ड्रेस देखियो चुलबुली दा फोन हेलो चुलबुली हेलो मैडम जी छेती कुछ करना पैना है नहीं तो गल होर बिगड़ जानी है की होया आप तू इन्नी घबराई क्यों पई है ओ महिमा दी हालत सुधरदी पई है आज ते उन्हें पेन चुक लिया सी ते कुछ लिखन नु फिरदी सी ओ लिखदी सी किसे नु किसे गल दी कोई भणक ता नहीं पई ना नहीं नहीं मैडम जी हाले तक ता किसे नु कुछ भी नहीं पता चलिया ओदे कोलो गल ही नहीं हो पाई पर मैडम जी सानू ना छेती कुछ करना पैना किते ए ना होवे कि उठ के बैठ जावे ते सबरी नु सारा कुछ दस देवे नहीं असि करते हैं कुछ तू बस ओदे ते चंगी तरह निगाह रखी ते जो भी होया सानू दस दे रहे ठीक है मैडम जी दलजीत तू महिंदर नू फोन कर ते उनू कह कि गाहक नू मिलन लई तैयार पर इन्नी घट टाइम च सारा कुछ किवें होगा जूनी च ता जो करना है सानू घट टाइम च करना पैना साडे कोल होर कोई चारा नहीं बचिया हुण Oh, please. Yeah, yeah. Yeah. Oh, my God. He's sorry. Oh, I'm so sorry. Actually, kitab mainu jana payega because it's a very big deal. Wait, kitab jo apne zaruri se kaam kagzaat sab kuch property papers gala baat sab kuch ho hi gaya hai sada. So, hun assi chalde ha. Right, guys? Haan ji, haan ji. Okay, bye. See you guys. मम्मी जी रिलैक्स शांत चंगा जी फिर ख्याल रखो है आप चलते हैं मम्मी जी अंदर ले चलो तुसी मेरे अंदर चलो चलो बाल बाल बचा लिया मेरा सवरीन की तसली होगी होगी गाहक नू मिलके शक तो नहीं होया नहीं शक तो नहीं पर वो ये पता करने की कोशिश जरूर करूगी कि गाहक ते एजेंट असली है भी कि नहीं ना मैंने पता है पर जे उन्हें एवं किया फिर आप की करांगे फिर सानू ओदी ऑनलाइन गल करानी पैनी है किसी ना वो भी कैनेडा च किसी असली बंदे ना ता ही तसली होनी है ते फिर असि ओदे फोन च बैंक का नकली मैसेज भेजांगे ते नकली वैबसाइट बना के पैसे भी शो कर दांगे फिर तो मनूगी ना बस फिर अज रात नूं आपां अपनी स्कीम चलाउने आ हुण तां डर के रहना पऊ सवरीन नूं कह दिंदे आ चुलबुली ओ सारा कुछ दसदी रहूगी ए भी दसदी रहूगी कि कैमरा किस वेले ऑन कीता सवरीन ने पर आपां नूं सारा कुछ बड़े ध्यान नाल करना पैणा इह आपणा आखरी दाज हुंदी छे जिस वार कोई गलती हो गई फिर मैनूं नहीं लगदा कि आपां इह सब कर सकांगे कोई गल नहीं सरावर जी हुण तक सारा कुछ साडे मुताबिक ही चलदा आया है ना ता अग्गे भी साडे मुताबिक ही चलूगा असि अपना घर जरूर वापस लवांगे सरावर जी तुसी वेखियो साडे सपने जरूर पूरे होणगे मैं तुहानू गल कहनी सी जूनी जी हाँ दसो की कहना सी बस मैं तां ही कहना सी कि तुहाडा बहुत शुक्रिया जूनी जी शुक्रिया पर शुक्रिया केड़ी गल दा मेरी जिंदगी चाउण लई शुक्रिया कितना कुछ किया साडे परिवार लिए कदे भी एक दिन इहो जिहा नहीं लंघिया होना जदों तुसीं साडे बारे सोचा ना हो साडे परिवार लिए कुछ किया ना होवे
कदे कदे मैं सोचता कि जे तुसी ना होंदे तां पता नहीं साडा सारिआं दा की होणा सी। किस्मत तां मेरी चंगी कि मेरा विआह तुहाडे नाल होया। पक्का बाहर चले जाएंगे? ए जुगनू नूं सारी गल किद्दां पता लगी? सारी खबर इन्हां नूं तां साडी। ए तां बड़ी अजीब गल है, सुरिंदा करन दा इरादा? हां जी जराबा जी, उह जुगनू नूं ना कितें लुक के सुनी है गल, उहनूं पक्का पता लग गया। उह बिन्नू किसे नूं दसदा सी कि जे जायदाद दा सौदा हो गया ना तां उहनूं खासी मोटी रकम मिलने वाली है पैसे दी। फिर तां पापा जी नूं दसना पैणा ते उहनूं कहांगे कि उह कमिश्नर नाल गल कर लैण। जे सुरिंदे तों चली गई तां सानूं जायदाद नहीं मिलनी। उसनूं दस देने कि सुरिंदे तों भज्जण दा सोच रही है, जे तों भज्जण लगे तां फड़ के अंदर कर। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੈਲੋ ਦਿਲਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਟ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਲਾਈਨਾ ਭਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਲਾਈਨਾ ਭਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਨੇ ਉਸ ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਲਾ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜੋਰੇ ਤੇ ਜੁਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਆਵਾ ਜੀ, ਫਸ ਗਈ ਨਾ ਸਵਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਚ। ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਜੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮੋਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਬੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ। ਕੁਛ ਕਰੋ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਸੁਵਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਸਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸੁਵਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਨਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਬੂ, ਮੌਂਟੀ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ,
अपनी सेहत का ख्याल रखने लिए उन्हें मना करता हूं ए कर सकते सबू थानू याद है डोनेट करने वाले की लिस्ट च एक बंदा होर सी मैं उन्हें फोन कर दा शायद अपनी गल बन जे हाँ तुसी छेती गल करो ओदे नाल हाँ मैं कर दा फोन जरावर जी जेड़े बंदे नाल सवरीन दी गल हुई सी उन्हें बोन मैरो देन तो मना करता उन्हें मना करता पापा जी तुसी आ गए हाँ जी पुत्र जी मैनू जुगनू ने सारी गल दसती सी ता ही मैं भज्जिया आया इत्थे हाँ जी पापा जी ओ जेड़े बंदे नाल बोन मैरो देन दी गल हुई सी उन्हें बोन मैरो देन तो मना करता ते मैं सोचती हाँ कि क्यों ना असीं सारे भी टेस्ट करा लिए साडे किसे दा बोन मैरो मैच हो जाए तुसी बिलकुल सही कह रहे हो पुत्र जी जिवें तुहानू ठीक लगता आपां टेस्ट करा लैने देखो 60 साल की एज तो ज्यादा लोगों च रिस्क ज्यादा होंदा जिहड़ा बंदा बोन मैरो डोनेट करता है उसकी बॉडी च कई कंप्लीकेशन आ जाते हैं तो बाजवा साहब तुसी हो सके तो उन्हें अवॉइड ही करो बाकी तुसी सारे दे सकते हो एज गाइडलाइंस भी साढ़े पोटेंशियल डोनर से हेल्थ बारे सोच के डिजाइन की जाती है पापा जी तुसी रहने दो असी बाकी सारे जने टेस्ट करवा लेने ठीक है पुत्र जी जे डॉक्टर साहब कहंदे ने तां मैं रहन दिना ए चन्नी भुआ जी दा ओह भी तां आने वाले ने ओह तां कोई गल नहीं आण दे उहनां नूं चलो ठीक है अच्छा मैं बाकी सारे नु कह के टेस्ट कराने वास्ते मैं बाहर देख के आया जे की हो रोया था सबू मैं तो लगता सारा भाजपा परिवार पागल हो गया मैनू तो आप पता नहीं लगता पिया इन्हां दा सच्ची मैम तुहाडे तो सियाने लेड़ी मैं अज तक नहीं देखी सही टाइम ते सही फैसला लिया तुसी बाकी सारा उस उपर वाले ते छड़ दो वो आपी तुहाडी मदद करो सिस्टर असी बच्ची नू देख सकते हैं मिल सकते हैं असी बच्ची नू इता जी मैनू डॉक्टर तो पूछना पो जी शुक्रिया जूनी जी ये गल है ना फिर तू हां करना जो सी कह रहे हैं वो दे दे सारा कुछ थानू जो कुछ भी चाहिए तुसी सारा कुछ ले लो बस मेरी बच्ची की जान बचनी चाहिए है मैं जिंदगी कटनी है ना ओदे आसे कट लवांगी औखे सौखे मैं थोड़े सारे नाल बहुत माड़ा किता है बस उस गल की सजा मिलती पई है मेरी बच्ची नू मैं शुरू तो ही बहुत गलत सी मैनू माफ कर दियो मेरी बच्ची नू बचा लो बस ठीक है सभी मैं तैयार हूं मैं भी तैयार हाँ फिर मैं जाके
जायदाद के कागज तैयार करवानी ते हॉस्पिटल की बाकी कारवाई भी पूरी करनी आ। ऑपरेशन लई पैसों का प्रबंध भी करना पैना है ना मैनू, मैं वो करके आनी हाँ। डॉक्टर साहब तुसी छेती तो छेती ऑपरेशन की तैयारी करो, तुसी जिथे कहोगे मैं उथे साइन भी कर दिनी हाँ। ठीक है सवरीन जी। बच्ची दी जान बच चुकी, चलो जरा बची असि डॉक्टर ना जाके गल कर दे। रुकनो रानी, तू नु बोल मेरो इस तरह नहीं देंगी, तू इतने सीधी गल मका जी बोल मेरे लेना तो सारी जायदाद वापस कर। अपने फायदे तो बिना कुछ नहीं सोचती, तुम्हें पता उन्हें सब नहीं करना, एवं गल पै गए बहुत टाइम खराब होगा, तुम्हें पता कि ऑपरेशन छेती तो छेती करा फायदा ही तो है, धी की जान बचनी है। ए वक्त शर्ता रखन दा नहीं हैगा। वीर जी जरा सोचो, तुहाडा घर जान दा हक नहीं बनदा, असि सारे सड़कां ते रुलदे पए, तैनूं रानी तेरी जान तां उद्दां वी बचाउणी, तेरी नीत ते कोई शक नहीं करदा, तू आप सोच नूं रानी, इह मौका सानूं रब ने दित्ता, इह मौका सानूं गुआउणा नहीं चाहीदा। वीर जी वल देख, इन्हों का नाम रुतबा इन्ने साल की मेहनत सब कुछ ते पानी फेर दिता, उन्हें वैसे भी तू उस घर में पाने लिये की नहीं किया पुत, बोले वल देख मैंने की नहीं किया उस घर में, अपनी कबड्डी तक छड़ दी, उस सुमरीन ने की नहीं किया, जिंदगी स्यापे स्यापे पाए ने, क्यों ने मौका है सानू अपना घर वापस लेना, सानू अपने घर वापस। सवरीन नाल गल हुई थोड़ी जुनी च? नहीं गल तो नहीं हुई, पर हाँ मैसेज आया से उदा, वो कहंदी सी कि सवेरे आजू के पैसे लेके। सारे इत्थे हो? सवरीन मैम तो बेबी छड़ के चले गए सवेरे। इतने छड़ के चले गए मतलब बच्ची कोई भी नहीं सी, किथे गए सारे? असि तो आप हैरान है जुमनी जी, भाई आ देखो जी टोटल डिपॉजिट अमाउंट, असि तो आप वेट कर रहे हैं कि पेरेंट्स आओगे तो फॉर्मेलिटी पूरी करोगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो बस आंदे ही होंगे ऑपरेशन के पैसे लेके, अरेंजमेंट तो हजे तक हो जाना चाहिए जुनी जी, आई एम सॉरी जब तक पैसा डिपॉजिट नहीं होंदा असि ऑपरेशन नहीं करांगे, हॉस्पिटल दी कुछ फॉर्मेलिटीज होनी है सानू पूरी करनी पैंदी है। बस थोड़ी देर होर उडीक करो डॉक्टर साहब, वो आउंदी होणगे पैसे लैके, ते डोनर तो जुनी जी ने ना वो तो थोड़े कोल खड़े ने, तुसीं ऐ करो इन्हां नूं लै जाओ ते ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो। देखो जोरावर जी ऐ नहीं होंदा, कुछ प्रोटोकॉल्स होंदे हैं, जे एक घंटे के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं होया असि कुछ नहीं कर सकते, तुसी बेबी नूं लै जियो, साडी कोई जिम्मेदारी नहीं। हेलो सवरीन किथे है तू, इत्थे ऑपरेशन लई तेनू सारे उड़ीक रहे ने। ओ मैं बस पैसों का प्रबंध करन आई हां, तुसी उत्थे रुको मैं आनी हां हुणे। चल ठीक है, सवरीन का फोन सी कहंदी मैं बस पैसों का प्रबंध कर रही हूं ते हुणे आई। मैं दस बंद के फल बैठू
मैं सच एक कर ली है बाकी कितने देखा मैं नहीं है जूनी नहीं तू हार नहीं मान सकती नहीं मान सकती तू हार मेरे बिना था तेरा परिवार कल्ला रह जूगा अन्ने बच्चे की जान भी नहीं बचनी मेरे सराबर जी का साथ तेन हिम्मत करनी पैनी है तेन हिम्मत वाहगुरु जी मेहर करो फ्रिज तो कोई टाइमर नहीं लगे एदा मतलब है नकली बम इसका टाइमर नहीं लगे मेरा मतलब है नकली है इतने तक तीनों तारा लाल केड़ी तार कटन का मामले फ्यूज होगा मैं अपने घर ना बचा सकी तो मेनू माफ कर दिया जरावर जी माफ कर दिया मेनू जनरल इंस्पेक्टर साहब कि तुसी आ गए आ देखो जूनी ने मेरे उत्ते गोली चला दी मेरी बच्ची नु भी सुट्टन लगी सी
तेरा नाटक हुण नहीं चलना। बच्ची नूं केड़ा सिखण लग्या सी केड़ा नहीं, असी सारा कुछ देख लिया। हुण तां कचहरी विच पता लगूगा कि पैसे पिस्तौल ते नकली पासपोर्ट लैके कित्थे लैके चले सी। जोरा पुत्र जी, अजूनी पुत्र जी, तुसी दोनों ठीक तां हो? हां जी पापा जी, असी ठीक हां। सवरी, तू अज तक हमेशा गलत ही काम कीते ने, ते देख माड़े कम्मां दा माड़ा नतीजा। आप देख कित्थे पहुंच गई तू अज। ओ कहंदे ने ना कि चंगियाई दी जित हुंदी, ते अज देख वी ले बुराई ते चंगियाई दी जित। लेके चलो इन्हां नूं। सर साडी कोई गलती नहीं है, तुसी गलते सुनो। तो थाने लाते जाके सर। सूरज फिर तो चढ़ गया है। सवरीन, महिमा ते महेंद्र जेल विच ने, जिथे वो सारी उम्र अपने गुनाह दी सजा भुगतणगे। ते साडी किस्मत चंगी निकली, अदालत राही सानू जानवी दी सपुरदागी भी मिल गई, ते उनू कानूनी तौर ते गोद लेके मैं ते जोरावर जी ने अपनी धी बना लिया। हुण उनू पाल पोस के वड्डा करना, ओदी भलाई वास्ते फैसले करना, ते जायदाद विचों ओदा हक उनू देना, यही साडी जिम्मेवारी है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।